हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चले दोस्तों। यहाँ पर देखिए पेज ऐप करके ये एप्लीकेशन है दोस्तों, तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है प्ले स्टोर से। तो देखिए मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये पेंडिंग प्रॉब्लम बताएगा या फिर कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, कांट इंस्टॉल प्लेज ऐप यूपीआई पेमेंट। और नीचे देखिए जो सेंड फीडबैक और अंडरस्टूड करके इस तरह से आता है। अगर दोस्तों मैं अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करता हूँ ये हट जाता है। अगर दोस्तों मैं फिर से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ यहाँ पर पॉपअप आ जाता है। तो अंडरस्टूड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हट जाता है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो किस तरह से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है हमें मोबाइल में, चलिए देखते हैं। अगर आपको भी दोस्तों इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो चलिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से बैक आ जाना है, प्ले स्टोर से बाहर निकलना है। और बाहर आने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर देखना है कहाँ पर है। तो आपको प्ले स्टोर देखने के बाद उसके ऊपर कुछ देर तक क्लिक करना है, जैसे कि मैं प्ले स्टोर के ऊपर कुछ देर तक क्लिक करके रखा हूँ। और सिंपल दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ऐप इन्फो का एक ऑप्शन है दोस्तों, तो सिंपल क्या करेंगे ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग एक यहाँ पर प्ले स्टोर के सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों डेटा यूज़ का एक ऑप्शन है, यहाँ पर डेटा यूज़ का ऑप्शन है। सिंपल हमें क्या करना है, डेटा यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दो ऑप्शन ऑफ करके ले लेने हैं। देखिए डिसेबल मोबाइल डेटा, ये ऑप्शन ऑन है, इसे बंद कर दूंगा। और डिसेबल वाईफाई, इसे भी बंद करना है हमें। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है। चलिए यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। और बैक आने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर फिर से ओपन करना है हमें। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्नर में लोगो दिखाई दे रहा है, लोगो के ऊपर क्लिक करना है जो कि ईमेल आईडी का होता है आपका। और यहाँ से मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, ये ऑप्शन हमें दिखाई देता है। सिंपल मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन हमें देखने मिलता है। तो सिंपल क्या करना है, अपडेट अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से ये देखिए, ये तो अपडेट ऑल हो रहे हैं मेरे, ये देखिए यहाँ पर ये अपडेट ऑल के ऊपर मैं क्लिक किया, इस तरह से कुछ आपके अपडेट हो रहे रहेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, ये आपको कैंसिल करना है, क्योंकि क्या होता है ये अपडेट बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी सारे एप्लीकेशन, अगर ये अपडेट नहीं होंगे जब तक आपका प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा, तो दोस्तों इसे कैंसिल कर देना। चलिए ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये सारे यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। अभी हम लोग जाएंगे फिर से एक बार प्ले स्टोर में और यहाँ पर पेज ऐप यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर आ चुका है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और आप लोग देखेंगे ये पेज ऐप मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और वो जो पॉपअप आ रहा था वो भी यहाँ से हट चुका है। और जो पेंडिंग का अगर प्रॉब्लम आ रहा रहेगा वो भी आपका यहाँ पर हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।